एलम परिक बीकानेर की ओर से समस्त दर्शकों एवं श्रोताओं को वंदन अभिनंदन। जन सरोकार मंच के सौजन्य से आज हम एक बार फिर रूबरू होने जा रहे हैं कवि लेखक एवं समीक्षक श्री मेवाराम जी गुर्जर। नमस्कार के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप पेशे से शिक्षक हैं और इस क्षेत्र में आपकी नई शिक्षा नीति NEP 2020 पर आधारित अधीन स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क से भी आप जुड़े रहे हैं और साहित्य के क्षेत्र में आप कई विधाओं में लेखन कर रहे हैं। आपने कविताएं लिखी हैं, आपने आलेख लिखे हैं और बहुत अच्छी समीक्षा लिखते हैं और अभी आपके नई नवेली साहित्य संतति बहुत चर्चा में है, यात्राओं के पदचिन्ह। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इस बारे में बात करेंगे कि आपके लेखन की शुरुआत कैसे हुई। जी नमस्कार। जन सरोकार मंच को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज का ये कार्यक्रम अपने चैनल पे रखा, और धन्यवाद नीलम पारिक जी कि आपने भी समय निकाल करके और इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बना दिया। जैसे कि आप जानना चाह रहे हैं कि यात्रा के कहां से शुरू हुई, कहां से मैं लिखना शुरू किया, तो इस किताब का जो शीर्षक है वो है यात्राओं के पदचिन्ह, और ये अपने आप में ही जो है वो पूरी यात्राओं को समेटे हुए है। 2012 से लेकर के 2022 तक, यानी 10 साल तक मैं बाहर रहा। पहले बाड़मेर, उसके बाद में डूंगरपुर, उसके बाद में भीलवाड़ा, और उसके बाद में जयपुर का गृह जिले में पहुंचा हूं। तो अपनी सरकारी नौकरी के साथ साथ मैंने जो एक दशक की यात्रा की है, उस एक दशक में ही नई चीजों से रूबरू हुआ हूँ, नए लोगों से मिला, नई चीजें सीखने को मिली। साहित्य की रुचि शुरुआत से ही थी, तो पढ़ने और लिखने का शौक रहा, तो वो धीरे 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 ये रूटीन में आता गया। और जब प्रथम श्रेणी अध्यापक पद पर चयन हो गया, उसके बाद में लिखने की शुरुआत फिर वहां से कही। डूंगरपुर जब मैं था तो वहां मेरे कुछ साथी थे, उन्होंने कहा कि आप अच्छा लिखते हैं, इसको कंटिन्यू रखें। तो फिर धीरे धीरे एक आदत बन गई, जब भी विचार मन में आते कोई कविता या कोई आर्टिकल लिख लेता, और धीरे धीरे एक संकलन हो गया। फिर लगा कि इसको पब्लिश करवा देना चाहिए, तो इसकी पांडुलिपि राजस्थान साहित्य अकादमी को भेजी, और शुक्रगुजार हूं उनका भी कि उन्होंने मेरी पांडुलिपि को स्वीकार किया, और उस पांडुलिपि को स्वीकार करके प्रकाशन करके अब सब हिंदी के जो पाठक हैं, जो साथी हैं, उनके हाथों में है। तो यहाँ से मेरी शुरुआत हुई। आपको बहुत बहुत बधाई इस चीज के लिए कि आपकी जो पहली ही पुस्तक है उसे ही राजस्थान साहित्य अकादमी ने प्रकाशित करने के लिए चुना, तो ऐसे में आप कैसा महसूस कर रहे हैं? धन्यवाद जी, मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी और सुखद यात्रा है, सुखद एहसास है। पहली बात तो ये थी कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाला विद्यार्थी कहाँ इतना जानता है कि उसकी कोई किताब जो है वो हिंदी के पाठकों के समक्ष आएगी। मेरी भी कोई इच्छा, इतना सोचा नहीं था कभी कि किताब आएगी, लेकिन जब लिखने लगा और अकादमी ने जब इसको स्वीकृत किया तो लगा कि नहीं, इसको प्रकाशित करवा देना चाहिए। और स्तरीय कविताएं हैं तो इसलिए साहित्यगार पब्लिकेशन जो जयपुर में है, उन्होंने मेरी किताब को पब्लिकेशन करवा दिया। अब ये जो पहली किताब की खुशी होती है एक नवोदित लेखक के लिए, वो अपने आप में बड़ी खुशी की बात होती है, एक बड़ा सुखद एहसास होता है। और जब लोग पाठक इनको पढ़ करके और टिप्पणी करते हैं कि आपकी किताब अच्छी लगी है या उसकी समीक्षा लिखते हैं, तो ये निश्चित रूप से जो है एक सुखद परिणाम देने वाली बातें होती है। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लग रहा है, और इसलिए भी सुखद है कि काफी पाठकों का स्नेह और प्रेम जो है इस किताब को मिल रहा है, तो मेरे लिए ये भी अपने आप में एक अच्छी बात है और बड़ा अच्छा लग रहा है इस किताब को हाथों में देखकर। हाँ, इस पुस्तक को मैंने भी पढ़ा और ये एक सीटिंग में पढ़ने जैसी, इसको बीच में से छोड़ना बड़ा मुश्किल है कि ऐसा लगता है कि लगातार ये यात्राओं का के जो पश्चिम है इन पर से लगातार हम गुजरे और वहां तक पहुंचे जहां तक ये यात्रा चल रही है। और अभी मैंने आपकी एक दिन पोस्ट देखी थी कि अमेज़न पर जहां पर ये बिक्री के लिए रखी हुई है वहां पर एक बार सभी पुस्तकें बिक चुकी थी, यानी फिर उसके लिए नया एक लॉट उसमें डालना पड़ा। तो ये भी एक पहली ही पुस्तक और उसको अकादमी अपने प्रकाशन के लिए चुनती भी है और
थोड़े ही दिनों में वो उसका एक तरह से एक जो लौट गया है उसके पास में वो बिक जाता है, तो ये थोड़ी और भी ज्यादा खुशी की बात होती है। तो एक खुशी के साथ दूसरी दूसरी क्षति से। तो अब हम जरा बात करते हैं कि जो आपकी यात्राएं हैं, यात्राओं के पद चिन्ह, तो आपकी यात्राएं, मैंने जब बड़े गौर से इस पुस्तक को पढ़ा तो कई प्रकार की यात्राएं इसमें नजर आती हैं। एक आपकी अपने सर्विस के लिए वहां वो ये यात्रा हो रही है, दूसरी आपकी मन की यात्रा हो रही है, आपका मन जरूरी बस के साथ साथ नहीं चल रहा है, मन कहीं और यात्रा कर रहा है, और आपकी स्मृतियों की यात्रा चल रही है। तो मेरे ख्याल से मैं ही नहीं, सभी लोग ये चाहेंगे कि आप यात्राओं से जुड़ी कुछ अपनी कविताओं के बहाने से जरा हमें अपनी इन यात्राओं का से परिचित करवाएं। जी धन्यवाद। दरअसल देखा जाए तो नीलम जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक ऐसी पुस्तक है जिसको एक ही सिटिंग में पढ़ा जा सकता है। बहुत लंबी चौड़ी कविताएं नहीं है, बड़ी कविताएं नहीं है, छोटी छोटी कविताएं हैं, हालांकि उनका अर्थ थोड़ा सा गहन है, और छोटी कविताएं होने की वजह से और आसानी से पढ़ी जा सकती है, सरल भाषा में है, सहज है, हर एक सामान्य पाठक के भी समझ में आने वाली उसके ग्राह्य वाली कविताएं हैं। दरअसल देखा जाए तो यात्राएं केवल सरकारी नौकरी के लिए जो की गई हैं वही नहीं है, उसके इतर भी कुछ यात्राएं हैं जो हमेशा चलती रहती हैं और हमेशा जीवन के अंत तक चलती रहेंगी। इसी काव्य संग्रह में एक कविता भी है जिसकी एक लाइन है कि मनुष्य अपने अंत समय तक एक यात्रा पर रहता है और अंत होने के बाद में भी एक यात्रा ही शुरू होती है उसकी, फिर एक लंबी यात्रा पर वो निकल जाता है। तो सही है, यात्रा पे ही है। उससे रिलेटेड यात्रा की जो बात है वो मैं एक कविता के रूप में आप लोगों के सामने, हमारे पाठकों के सामने रखता हूँ। कविताएं हैं, छोटी छोटी हैं और दोनों ही यात्राओं को लेकर के हैं। जब एक शहर को छोड़ करके मैं दूसरे किसी शहर में गया तो पीछे वाला शहर कैसा रहा या उसकी यादें कैसी रही, नया शहर मुझे कैसा लगा, उसके लिए कविता है नया शहर। सुनो सखी, इस नए शहर में मुझे कोई नहीं चिढ़ा था तुम नाम लेकर। इस नए शहर में ना बसंत आता है, ना फूल खिलते हैं, ना वैसे हवाएं चलती हैं, और हाँ चांद भी तुम्हारे शहर जैसा नहीं उगता। मैं सूरजमुखी के विपरीत केवल तुम्हारे शहर की दिशा में ही देख पाता हूं। सखी, जो लोग कहते हैं कि बिना आत्मा के मनुष्य जीवित नहीं रहता, वह सब झूठ है। इस शहर में मैं अब भी जीवित हूं। मेरे इस शहर में रहने से तुम पर लगेगा हत्या का जुर्म, और इस जुर्म से बचाने के लिए मुझे लौटना होगा तुम्हारे शहर में। और एक नए छोटी सी और कविता है, यात्रा में देखता हूं शीर्षक से। तुम्हारे शहर से लौटते हुए बस की खिड़की से देखता हूं विपरीत दिशा में दौड़ते पेड़, नदी, पहाड़ और खेत। पीछे छूटती इन वस्तुओं के ठीक विपरीत दिशा में दौड़ता है मन। इस यात्रा के दौरान मैंने महसूस किया है कि दो शहरों के बीच यात्रा करती है केवल देह। क्या बात, दो शहरों में जब भी गया तो मन एक जगह ही रहा, किसी एक शहर में ठहर गया, केवल शरीर जो है वो एक शहर से निकल के दूसरे शहर में जाता रहा। तो ये यात्राओं को लेकर के ही कहीं ना कहीं एक है। एक और कविता है, छोटी सी है, जो यात्रा से ही रिलेटेड है। शीर्षक भी इसका यात्रा पर है। कुछ यात्री सदैव यात्रा पर रहते हैं और बदलते रहते हैं शहर अपने घर वापस लौट आने की गहरी उम्मीद में। उनके लिए कोई भी यात्रा सहज नहीं होती। वे लोग जो चलते रहते हैं निरंतर एक शहर से दूसरे शहर, उनके जीवन में नहीं होता ठहराव जैसा कोई बिंदु। जीवन के अंतिम क्षणों में भी कुछ लोग रहते हैं यात्रा पर, कभी शहर दर शहर, कभी मन से मन तक। उन यात्रियों के मन को देखना कभी गौर से, असंख्य यात्राओं के पदचिन्ह मिलेंगे वहां।
आकाश से पृथ्वी की दूरी सदृश मिलेंगे कई मार्ग, पृथ्वी के घूर्णन गति जैसे वे सदैव यात्रा पर रहते हैं। तो एक ये भी एक छोटी सी कविता थी जो यात्राओं को एक कहीं नहीं करके, शायद यहीं से यात्राओं के पदचिन्ह लिए गए इसी रचना से, पदचिन्ह का शीर्षक इसी रचना से लिया हुआ है, शीर्षक यहीं से आया और शायद यहीं से ही वो आपका जो आवरण पृष्ठ है वो भी इधर से ही आया शायद, यात्राओं के पदचिन्ह जो बड़े खूबसूरत इसमें बहुत सुंदर कलर कॉम्बिनेशन है और बड़ा सुंदर इसमें चित्र बना हुआ है और जिसमें प्रकृति भी नजर आ रही है और शहर भी दिखाई दे रहे हैं तो गांव भी नजर आ रहे हैं सभी कुछ उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पाठ को हो गया है, पाठ को मैं जो श्रोता जुड़े हुए हैं जो पाठक इसको पढ़ रहे हैं मैं उनको दिखाना चाहूंगा। ये खूबसूरत सा कवर है इसका जो कई सारी चीजें अपने आप में समेटे हुए है, शहर भी है और पैरों के वो जो पद चिन्ह कहीं ना कहीं छूट गए वो भी है। एक कहावत है कि घर के भाग डोरी से ही नजर आते हैं, तो पुस्तक का जब आवरण पृष्ठ इतना खूबसूरत हो तो उससे समझ में आ जाता है कि पुस्तक में जो कंटेंट होगा वो कितना खूबसूरत होगा। तो योगी वास्तव में आपका जो आवरण पृष्ठ एकदम सही दरीचों में पहुंचा देता है पाठक को। तो एक और जो बात आपके इस पुस्तक में मुझे नजर आई है, क्योंकि वैसे भी आपने शुरू में मेरी बात में उसमें लिखा कि अपने अकेलेपन की बात की, तो आपका जो मिलनसार स्वभाव है जो उससे तो मुझे लगता है कि आपके कितने मित्र होंगे और आप अकेलेपन की बात करते हैं, ये कौन सा अकेलापन है, कैसा अकेलापन है, अपने कुछ रचनाओं के माध्यम से बताइए। ये तो बड़ा गहरा सवाल पूछ लिया आपने। देखिए वैसे तो हर व्यक्ति जो है वो अपना अकेलापन साथ ले करके चलता है, कहीं ना कहीं वो एक तन्हाई उसके जीवन में बनी रहती है। और एक कविता जो शायद इस काव्य के अंदर, इस काव्य संग्रह में तो नहीं है, वो उसके बाद में लिखी गई है और उसमें भी मैंने यही लिखा था कि मुझे तन्हाई जो मेरे साथ में रही, मेरा जो अकेलापन है वो सदैव मेरे साथ में बना रहा और इस अकेलेपन ने ही मुझे अगली यात्रा के लिए तैयार रखा और इसी की वजह से मैं किसी अगली यात्रा पर जा सका। तो मैं इसको बचाना चाह रहा था, इस तरह से एक भाव है। देखिए अकेलापन जो है आप भी समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने युवावस्था के दौर में ही घर परिवार इनसे दूर रह करके सैकड़ों किलोमीटर दूरी पर अपने किसी दूसरे शहर में रह रहा है अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी नौकरी के लिए, तो कहीं ना कहीं उसके मन में एक जो घर से दूर रहने की जो एक टीस होती है वो निश्चित रूप से उसके लेखन में और उसके कार्यों में आती ही है, ये स्वाभाविक भी है। तो कहीं ना कहीं वो चीज भी मेरे अंदर वही है। दूसरा ये भी था कि एक लंबा समय हो गया था मुझे, क्योंकि 10 साल अकेला बाहर रहा, ग्रामीण परिवेश के हैं, खेती बाड़ी वाला आदमी हो तो परिवार को साथ नहीं रख पाना भी एक मजबूरी रही है। इस वजह से जो एक अकेलापन, एकाकीपन जिसको कह सकते हैं, वो जब मेरे साथ रहा तो उसी एकाकीपन ने मुझे लिखने के लिए प्रेरित किया है, ये भी एक मेरी लेखन का कारण बना है। कुछ रुचि थी और कुछ वो जो अकेला समय रहा तो उस अकेले समय में मेरे पास और कोई काम नहीं था तो कुछ अच्छी किताबें पढ़ना और फिर उनसे जो विचार आए उनको कहीं ना कहीं कागज पे उतारता गया। तो वही अकेलापन है जब मैं घर से दूर रहा तो उसी अकेलापन ने मुझे लिखने के लिए कहा है। तो आपकी कुछ रचनाएं जो, हाँ बिल्कुल, इसी को तो चलो ये अभी एक हाथ में ही आई हुई है तो मैं इसी से शुरू कर लेता हूँ, जिसका शीर्षक है खालीपन। एक संयोग से यही निकला है किताब में। कभी कभी हम अपने अकेलेपन को भरने की मूर्ख कोशिश करने लगते हैं, क्या यह संभव है, नहीं तो फिर क्यों हम ये फिजूल कोशिश करते हैं। खालीपन एक स्थिति है जो सदैव बनी रहती है हमारे अंदर, रिक्तता हमारे लिए उतनी आवश्यक है जितना आवश्यक है समुद्र के लिए खारापन, जिसमें अंकुरित हो सके एक नया बीज, इतनी रिक्तता सदैव बची रहनी चाहिए हमारे अंदर। तो
एक ये भी थी कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं उस आपको उस अकेलेपन से भी एक प्रेम हो गया कि हाँ जी बिल्कुल बचा रहना चाहिए जी। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, शायद ये एक छोट कभी आवश्यकता है शायद ये का अकेलापन जी। बिल्कुल एक छोटी सी कॉल है जो मैं इसके साथ में ही अपने श्रोताओं को सुनाना चाह रहा हूँ। दरवाजा, मेरे शब्द तुम्हें पुकारते हैं, कभी लौट आओ टूटे दरवाजे तक। ये दरवाजा मान बैठा है कि हर दस्तक केवल उसे तोड़ने के लिए दी गई है, तुम आओ इसे झूठ प्रमाणित कर दो। क्या? तो ये कहीं ना कहीं अकेलेपन को ही लेकर के हैं। तो उस अकेलेपन से कहीं उससे लगाव भी है तो कहीं उस अकेलेपन का डर भी है कि कोई भी उस अकेलेपन को तोड़ता है तब भी मुश्किल लगता है जी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए डर बना रहता ही है। जब नए जगह जाते हैं तो पहली बात तो ये कि उस जगह पे अपने आप को सेटल कर पाना ही एक बड़ा जोखिमपूर्ण काम है, और एक ऐसी जगह पर जहां कभी गए ही नहीं, बहुत दूरी है, क्योंकि रेगिस्तान के जैसे इलाकों में, दूर दराज के ग्रामीण इलाके में अपने आप को डालना, और डूंगरपुर जैसे आदिवासी क्षेत्र के अंदर अपने आप को सेटल करना एक अपने आप में ही चुनौतीपूर्ण काम था। और इसी चुनौतीपूर्ण में जो काम में मैंने सीखा अपने आप को सेटल करने का, ये कहीं ना कहीं मेरे लेखन में भी जरूर छलकता है। इस किताब में आपने पढ़ा होगा कई सारी कविताएं ऐसी हैं जो ग्रामीण परिवेश में जो चारों तरफ दिखाई दिया, जो समस्याएं और जो चुनौतियां मुझे दिखी, कहीं ना कहीं वो कविताओं का विषय भी बनी है। और प्रकृति के बीच में रहा, ज्यादातर मेरी नौकरी ग्रामीण परिवेश में रही है, ज्यादातर क्या सारी नौकरी ग्रामीण परिवेश में रही है, तो वहां जो प्रकृति का चारों तरफ से अवलोकन हुआ वो भी कहीं ना कहीं कविताओं में छलकता है। डूंगरपुर में जो चीजें देखी, उन वहां की संस्कृति को से परिचय हुआ, वहां के जो पहाड़ी क्षेत्र है उस पहाड़ी क्षेत्र से जब परिचय हुआ तो वो मेरी कविताओं में कहीं ना कहीं आ रहा है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा जी। वो मैंने देखा है कि जैसे मान लो प्रकृति को बचाने में आपको लगता है कहीं ना कहीं प्रकृति को बचाने में ही हम अपने आप को बचाए रखते हैं जी। आपकी बहुत छोटी से बड़ी प्यारी सी कविता है जिसमें प्रकृति प्रेम नजर आता है, पेड़। बिल्कुल तो बिल्कुल श्रोताओं के लिए हो जाए। हाँ मैं ढूंढता हूँ। बहुत ही खूबसूरत बड़ी प्यारी सी नन्ही सी कविता है। हाँ बहुत छोटा सा है जिसको क्षणिकाएं कह सकते हैं, कविता का तो रूप नहीं ले पाइए, क्षणिका ही कह सकते हैं इसे। पेड़ों के फूल नहीं तोड़े, डालियां नहीं तोड़ी और पेड़ नहीं काटे, मैंने केवल बीज इकट्ठे किए और नए पेड़ उगाए। इस तरह तुमने पेड़ों को बचाया और मैंने पेड़ों में खुद को। हाँ बहुत खूबसूरत। आप कहते हैं कि कविता नहीं है, मैं कह रही हूँ कि ये तो पूरा काव्य है। हमने कितने अच्छे शब्दों में, कम से कम शब्दों में कह दिया कि किस प्रकार अपना अपना तरीका है प्रकृति को बचाए रखने का। किसी ने एक तरीके से बचाया, किसी ने दूसरे तरीके से बचाया, किसी ने सिर्फ बचाया, दूसरे ने उसको आगे भी वो दिनों दिन बढ़ती रहे, खिलती रहे, उसके लिए प्रयास किया। तो आपका जो प्रकृति प्रेम है उससे हम आते हैं, है जो आपका मुख्य विषय, वहां हम थोड़ी देर बाद जाएंगे। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आमतौर पर बेटियों के लिए बहुत कुछ लिखा जाता है, तो फिर पहले हम बेटी के लिए जो लिखा आपने उस पर बात करते हैं, आगे बाद में जाएंगे। बेटी के लिए आपने दो या तीन कविताएं लिखी लेकिन बहुत ही खूबसूरत हैं, और छोटी छोटी कविताओं में आपने इतना कुछ डाल दिया है ना कि आपको वो क्षणिकाएं लगती हैं लेकिन मुझे तो पूरे महाकाव्य जैसी लग रही होती है जी। जी शुक्रिया। हाँ बेटियों के लिए जो आप कह रही हैं, तो हाँ कुछ कविताएं हैं इस काव्य संग्रह में जो खासकर से उन्हीं के लिए लिखी गई हैं। अब छोटी कविताएं हैं तो खैर ये बात है कि इनके भाव जो आप समझ रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि महाकाव्य है, बाकी ये तो साधारण शब्दों में लिखी गई एक है, तो
एक बेटियों के लिए थी जो शुरुआती दौर जब मैंने लेखन का था मेरा, तो शायद मैं बता दूं ये मेरी दूसरी कविता है। जब मैंने लिखना शुरू किया था उससे पहले कभी लिखा नहीं, हाँ कुछ एक आर्टिकल जरूर लिखे थे, बाकी कविता लिखी नहीं थी, कहानियां जरूर थी एक दो। तो जब कविताएं लिखना शुरू किया उसके बाद में दूसरी कविता थी मेरी ये जो मैं आपको अभी सुना रहा हूं, इसका शीर्षक है माफ करना बेटी। मुझे याद है तुम्हारे नन्हे हाथों से छू लेना आसमान को और चूम लेना चांद के माथे को, लौटता हूं जब थका हुआ घर, दौड़कर लगती है सीने से, उतर जाती है थकान क्षण भर में, पर अब तू मेरे कंधे तक आ गई है, डराता है मुझे तेरा बड़ा होना, यह उलाहना की ना ला पाया नई पाजेब बड़ा बेचैन करता है, पर शायद इसलिए कि तू जोड़ लेगी टूटी पाजेब को। मैं जानता हूं बेटी तू मान जाएगी ना रूठेगी बेटों की तरह, तू जानती है मेरे अंतर मन को, माफ करना बेटी मैं आज फिर खाली हाथ लौटा हूं। पूरा दर्द आपने उसमें उंडेल दिया है, और बेटी का अपने पिता से जो एक कनेक्शन होता है वो एकदम स्पष्ट इसमें नजर आ रहा है। हाँ इसको, हाँ ये कह सकते हैं आप बिल्कुल। एक और कविता है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छे कि आपने शीर्षक सबके रखे हुए हैं और हर शीर्षक के साथ में सामने उसकी पृष्ठ संख्या भी है, तो ढूंढना थोड़ा सा सरल है। हाँ ढूंढने में आसानी हो जाती है बिल्कुल। जी, मेरी बेटियों तो, ये शीर्षक है कांता गुजर। ये कांता गुजर है, भीलवाड़ा से हैं, और आपकी कविताओं में बहुत गहरी अभिव्यक्ति है, बहुत ही खूबसूरत लिखती हैं। रमा भाटी जी बहुत सुंदर, नमस्ते रमा भाटी जी। इसका शीर्षक है मेरी बेटियों, सुनो मेरी प्यारी लड़कियों, घर में झूठे बर्तन और कपड़े धोकर, रस्सी का काम निपटा, पशुओं का दाना पानी खेत से चारा लाकर भी तुम्हें जाना ही होगा, तुम्हें पढ़नी होगी वो सारी किताबें जो लाइब्रेरी में रखी है अब तक तुम्हारी पहुंच से दूर, तुम्हें उन लड़कियों के हिस्से की किताबें भी पढ़नी है जो स्कूल नहीं जा सकी तुम्हारी माँ की तरह, तुम्हें लड़ना होगा उन विचारों से जो ये तय करते हैं कि तुम केवल लड़की हो, तुम्हारे हिस्से की किताबें और मेडल तुम्हारी प्रतीक्षा में हैं, ये धारणा को भी मिटाना होगा कि बेटी बाप की अर्थी को कंधा नहीं देती, तुम्हें लड़ना होगा उन तमाम विचारधाराओं से जो तुम्हारी आजादी के खिलाफ हैं, तुम्हें पाना होगा उन चीजों को जो तुम्हारी बेटी होने से दूर रही। मैं चाहता हूं मेरी बेटियों बिना पंखों के भी तुम उन्मुक्त आकाश में उड़ो, किसी दौड़ में पहले पायदान पर रहो या कर्तव्य निभाने में बेटों से आगे, ताकि मैं गर्व से कह सकूं कि मैं किसी बेटी का पिता हूं। मेरी बेटियों तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है। ये भी बेटियों के लिए ही लिखी गई कविता है, और एक और कविता थी जो मेरे इस काव्य में नहीं है, उसके बाद में लिखी थी कि तीन बेटियों का पिता इस बात से दुखी नहीं है कि कौन होगा उसकी अर्थी को देने वाला चौथा कंधा, उसे इस बात का दुख है कि सामाजिक मान्यताओं का तकाजा करके लोग उससे छीन लेंगे उनका अधिकार। बड़ी सारी कविता है, तो बेटियों के लिए भी मैंने काफी लिखा है, काफी का मतलब ये कह सकते हो कि हाँ समय परिवर्तन हो रहा है, लेकिन अभी भी समय परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी भी नीलम जी काफी समय चाहिए, अभी बदलाव होने में बहुत समय लगेगा जी, लेकिन शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि भारतीय संस्कृति ऐसी है कि ना शुरुआत हो चुकी है, ये सही कहा आपने, शुरुआत हो चुकी है।
हमारी संस्कृति की सबसे अच्छी बात यही है ना कि हम अपने अनुसार समय के अनुसार उसमें परिवर्तन, जो अच्छे परिवर्तन है, ला सकते हैं। सबसे अच्छी बात इसकी यही है। बिल्कुल। और अब एक कविता जो आपने बेटों के लिए लिखी है, लेकिन आप, मैं चाहूंगी आप सिर्फ कुछ लाइनें ही उसकी सुनाएं, थोड़ा सा लोगों के मन में एक जिज्ञासा रहे कि हाँ पूरी कविता क्या होगी, क्योंकि हाँ कोशिश रहेगी, मैं ढूंढता हूँ उसे। बेटों के लिए भी वैसे सही देखा जाए तो हमारे साहित्य में स्त्री के लिए, महिलाओं के लिए काफी कुछ लिखा गया है, पुरुष के लिए बहुत कम लिखा गया है। और जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि बेटियों के लिए खूब लिखा गया है, लेकिन बेटों के लिए काफी कम लिखा है। जिस प्रकार से माँ के लिए लिखा गया है लेकिन पिता के लिए कम लिखा गया है, तो इसको भी मैंने भी एक लिखने का प्रयास किया है। पराया कौन, कुछ कहानियों में सुना है और कुछ किताबों में पढ़ा है कि लड़की पराई होती है, उसका कोई घर नहीं होता, पर अपना घर बनाने के लिए अपना ही शहर छोड़ शहर में नौकरी करने वाले एक लड़के का घर कहाँ होता है। शायद ये समस्या, जब घर जाता है तो अपने ही घर में मेहमान लगता है, कुछ दिन रुकता है और लौट आता है उसी शहर में जहां उसका कोई नहीं है। लोग उसकी तरक्की से खुश हैं, पर वह खुद अंदर से टूटा हुआ सा है। गांव और बचपन की मीठी यादें उसे सोने नहीं देती क्षण भर भी। यूं तो शहर में बहुत भीड़ है, पर सब केवल भीड़ का हिस्सा है। गांव की खुली हवा में आवारा घूमने वाले उस लड़के का दम घुट रहा है शहर की तंग गलियों में। उसने अपनी कितनी ही हसीन रातें ट्रेन और बसों की सीट पर गुजार दी। उन किताबों में लिख दीजिए कि लड़के भी पराये होते हैं। तो ये लड़कों के लिए बेटों का, हाँ बेटों के लिए लिखी गई कि मांगे कि बेटों के लिए भी अब लिखा जाए, इस समय की मांग है बेटों के लिए भी लिखा जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हम बेटों को खो दें, ऐसा ना हो। बिल्कुल। और अब हम आ रहे हैं पुस्तक के जो सबसे बड़े आकर्षण और सबसे मुख्य विषय पर, और वो है प्रेम। तो प्रेम, प्रेम आपकी काव्य संग्रह की में कुल 89 कविताएं हैं, और उनमें 50 से ज्यादा कविताएं प्रेम पर लिखी गई हैं। तो आप सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपकी नजर में प्रेम है क्या, और वही आप अपने जैसे कविताओं में जैसे परिभाषित किया है तो वैसे ही आप सुनाइए। जी देखिए, सबकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं, सबका सोचने का और देखने का नजरिया भी अलग है। तो प्रेम को यूं तो शब्दों में परिभाषित नहीं किया जा सकता है, और लेकिन ये है कि इसको जिस तरह से लोग महसूस करते हैं, मैंने भी कहीं ना कहीं इसको जिस तरीके से महसूस किया है वो मेरे लेखन में छलक रहा है। और प्रेम केवल शारीरिक आकर्षण नहीं है, या कहीं एक पुरुष का स्त्री के साथ या स्त्री का पुरुष के साथ में जो एक आकर्षण है या लगाव है, प्रेम वही नहीं है। प्रेम एक जिसको कह सकते हैं बहुत ब्रॉड सेंस में ली गई बात है। प्रेम किसी के प्रति अगर हम एक सद्भावना रख रहे हैं, किसी के प्रति अच्छा सोच रहे हैं, तो वो भी प्रेम ही है। हर वह वस्तु जिसको हम चाह रहे हैं, जिसको बचाना चाह रहे हैं, वो प्रेम ही तो है। प्रकृति के साथ हमारा कोई शारीरिक आकर्षण नहीं है, लेकिन प्रकृति को हम बचाने का प्रयास करें तो ये भी प्रेम ही है। पशु पक्षियों के साथ में हम जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं, कुछ लोग का ध्यान रखते हैं, तो ये भी प्रेम ही है। तो कहीं ना कहीं मेरा प्रेम जो है वो, जैसे इस कविता संग्रह में कविता भी है कि मैंने प्रेम को उसमें देह से ऊपर का एक वस्तु माना है, और मेरे लिए भी यही है कि वो देह से ऊपर की बात है। शारीरिक आकर्षण न हो करके जहां पर एक दूसरे का सम्मान हो, एक दूसरे के विचारों को समझने का प्रयास हो, एक दूसरे के लिए हमेशा तत्पर रहने का की बात हो, एक दूसरे के लिए फना होने का जज्बा हो, है ना, एक दूसरे के पसंद और नापसंद की इज्जत हो, उनको देखें, वो यही जो है मेरे लिए प्रेम है। बाकी तो सबकी अपनी अपनी बातें हैं, सब अपने अपने तरीके से प्रेम को अभिव्यक्त करते हैं, और मेरे लिए प्रेम ये है कि एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना रखना, उसके मन में उसके लिए सम्मान हो, यही प्रेम है।
प्रेम की, जैसे आप कह रहे हैं कि अधिकतर मेरी कविताएं वो प्रेम को लेकर के हैं, लेकिन वो प्रेम वो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है, बंधा हुआ नहीं है, कहीं ना कहीं जो है वो अपना अपना खुद का जो है ब्रॉड सेंस है। प्रेम से संबंधित कई सारी कविताएं हैं जो जी मैं आपको सुना रहा हूँ। वैसे तो देखिए ये काव्य संग्रह ही जो है वो ज्यादातर प्रेम की कविताओं में बन पड़ा है, पर ऐसा नहीं है कि सारी कविताएं जो है वो प्रेम पर ही आधारित हों, कुछ ऐसी भी हैं जो प्रेम से इतर भी हैं। एक कविता है प्रेम में। प्रेम में पत्थर की संधियों में उग आता है कोई नया पेड़, बादल बरस पड़ते हैं धरती के प्रेम में, बहती नदी की कलकल ध्वनि प्रेम में पहाड़ों को दी गई आवाज है, प्रेम में पहाड़ बोलना सीख जाते हैं, रास्ते चलना और हवा गुनगुनाना सीख जाती है, प्रेम के अवलंब से ही बेल चढ़ पाती है किसी पेड़ पर, प्रेम बचा रहना चाहिए पहाड़ों में, नदियों में, हवाओं में, बादलों में, ताकि बचे रहे सृष्टि, बची रहे मनुष्यता, बचे रहे दो जीव। क्या बात, तो ये प्रेम की ही एक कविता है, और प्रेम की ही अभिव्यक्त करती एक और कविता है जो इस कहानी काव्य संग्रह की अंतिम कविता है। उसकी चाहना है कि उसका प्रेम रंगा हो सतरंगी इंद्रधनुष के रंगों से इतर, एक गाढ़े रंग से उकेरा हो हृदय के खाली कैनवास पर कोई आकृति, उसकी देह की उर्वरता किसी अल्हड़ मेघ की प्रतीक्षा में है, देह को भी पसंद है अपने ऊपर नरम धूप, उसे डर है कि कहीं अनकहे शब्दों के बोझ से दबकर भर भरा कर गिर न जाए किसी ऊंची इमारत की भांति, उसकी पीठ पर बहती नदी में यदि स्वेद कणों से आया कभी उफान तो ले डूबेगी उन सारी संभावनाओं को जो बची हैं प्रेम की चुप्पियों में, वह चाहती है तपती दोपहर में भी नृत्यरत होना तुम्हारा प्रेम ओढ़े। जिनके हिस्से में प्रेम नहीं आया उन्होंने खूब प्रेम किया, फूलों से, पेड़ों से, हवा और धूप से, उन्होंने खूब प्रेम किया पहाड़ों से, नदियों से, आकाश और धरती से, शायद इसलिए कि उनकी तरह कोई प्रेम से वंचित न रहे। उन्होंने प्रेम से भरे लोगों को भी लुटाया अपने हिस्से का प्रेम, ठीक उसी तरह कवियों ने भी अपने हिस्से का प्रेम कविताओं में लिखा। कवियों के हिस्से में भी प्रेम नहीं आया, क्या बात है। क्या यह तो कारण नहीं रहा आपकी इन प्रेम कविताओं का? आपसे एक दिन बात हुई थी तब इस बारे में भी थोड़ा सा जिक्र हुआ था। नहीं रहा? सही कह रहे हैं आप जी। कि जब कोई वस्तु हमें मिल नहीं पाती है तो उसकी जो टीस है वो लेखन में आ ही जाती है। जैसे अभी आपने इस कविता का वाचन किया है कि जिन्हें प्रेम मिला उन्होंने कविताओं में लिखा, जिन्होंने नहीं लिखा उन्होंने प्रेम में कविताएं लिखी। तो ये नरेश गुर्जर की एक कविता है, वो उन्होंने भी इसी तरह इसी के भाव के साथ में ऐसा ही कुछ लिखा है, और ये कहीं ना कहीं सही भी है कि कोई जो वस्तु हम चाहते हैं और हमें मिल नहीं पाती तो उसकी जो टीस है वो उसके कार्य के अंदर निश्चित रूप से परिणित होती है। तो इसको लेकर के भी यही सही कह रहे हैं आप, तो ये भी एक कारण रहा है लिखने का। पता नहीं आपने आपकी इतनी खूबसूरत कविता को उसके साथ में पूरा न्याय कर पाई या नहीं कर पाई, लेकिन क्योंकि शायद मेरी इच्छा भी थी कि आपकी एक दो कविताएं मैं पढ़ूं तो मेरी तो इच्छा पूरी हो गई। अब कैसी पूरी हुई ये तो हमारे श्रोता वही बता पाएंगे और दर्शक भी बता पाएंगे कि मैंने आपकी कविता के साथ कितना न्याय किया। और एक जो बात, वैसे तो भी प्रेम कविताएं भी यदि एक या दो और कविताएं आप सुनाएं तो और अच्छा लगेगा, उसके बाद हम अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंचते हैं। आप खुद सुना सकती हैं कोई भी एक कविता जो आपको अच्छा लगे। आप बहुत सुंदर पाठ कर रही हैं और बढ़िया आवाज में कविता को और भी खूबसूरत बना दिया आपने, तो अच्छा पाठ किया आपने कविता का। तो आपको जो अच्छा लगे कोई एक कविता और सुनाइए। चलिए नन्ही सी कविता और मेरे सामने आई है।
इस बार परदेश से जब घर लौटा इस बार परदेश से जब घर लौटा तो मैंने उससे कहा, बड़े दिनों बाद आना हो आपकी। मैंने उससे कहा बड़े दिनों बाद आना हो आपकी। उसने मुझे गौर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम गए ही कब थे? हाँ, बड़ी अच्छी आवाज में आपने कविता को और शानदार बना दिया है। अच्छा कविता पाठ करती हैं आप, और जिस तरह से भावों का जो एक्सप्रेशन है आपके चेहरे का भी, वो भी बड़ा उस कविता से मेल खा रहा है। अब एक शुक्रिया, कविता आपकी आप कविता सुना अच्छी दीजिए, लगी वरना ये आपको। लगेगा कि साक्षात्कार आपका नहीं मेरा हो रहा है, ऐसा हो जाएगा। तो एक प्रेम कविता और आप सुनाएं, उसके बाद हम थोड़ा आगे और चलते हैं। ठीक है, मैं एक और कविता आपको सुना रहा हूँ। हाँ, जो मेरा एक बहुत ही अहम सवाल है, वो क्या है जो अनकहा रह जाता है? वो क्या है जो एक कवि या लेखक के निरंतर लिखने के बाद भी अनलिखा रह जाता है? ये मेवाराम जी गुर्जर, उनके संदर्भ में मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या था जो अनकहा रह गया और जो अनलिखा रह गया। वैसे आपने अपनी एक कविता में भी ये लिखा कि जो पहली पहली कविता है। हाँ जी, ऐसा है कि देखिए, जो मन में जो बातें होती हैं वो पूरी तरह से ना तो जी आदमी लिख सकता है, ना किसी को बता सकता है। मतलब उसके अंदर ही अंदर जो चलने वाली एक भाव है, जो एक टीस उसके अंदर उठती रहती है, तो कहीं ना कहीं वही है। और निश्चित तौर पर तो ये मानिए कि ऐसी स्थिति में या तो कोई सपना होता है जो उसका पूरा नहीं हो पाता, या कोई प्रेम होता है जो उसको मिल नहीं पाता, या घर परिवार उनके हिस्से नहीं आ पाते हैं। यही मैक्सिमम यही चीजें होती हैं जहां से व्यक्ति जो है वो अपने आप को अकेला सा महसूस करने लगता है। तो मेरे लिए भी कहीं ना कहीं, जब मैं घर से दूर रहा और जो एक प्रेम और एक जो अपनत्व घर परिवार का मिलना चाहिए था, उससे थोड़े दिन के लिए मैं जैसे वंचित रहा, तो वो कहीं ना कहीं कविताओं में और मेरे लेखन में आया है। अब जैसा कि आप कह रही हैं कि जो आपकी पहली कविता थी, तो उस पहली कविता को ही मैं आपके सामने रखता हूँ। छोटी सी कविता है और ए लिखित कविता इसका शीर्षक है। मुझे पसंद है वे सारी कविताएं जो लिखी गई हैं प्रेम में, पर मुझे वह कविता सबसे अधिक पसंद है जिसे मैं कभी लिख नहीं पाया। मेरी उस अलिखित कविता में मैंने लिखी थी वे सारी बातें जो मुझे कहनी थी कभी तुमसे। वह अलिखित कविता मुझसे मांगती है आज भी अपने हिस्से का प्रेम। वैसे कहीं आपने इस कविता के द्वारा मेरी एक कविता का जवाब दिया है। आप कहाँ है मेरा आकाश, एक बार फिर से उसके पन्ने पलटना, उसमें आपको एक कविता मिलेगी जो है कि ये कवि कौन सी, भाई तुम्हें कौन सी कविता पसंद है उसे पढ़ना, आपको लगेगा कि आपने उसी का ही जवाब दिया है। तो खैर, ये मेरे लिए दुगनी खुशी की बात है कि मैंने आपसे इस बारे में बात की और मुझे उसका यहाँ जवाब मिला। एक यदि सपने पर भी जब हम बात करें, तो आपकी जो कविता है सपने, यदि वो भी हो जाए तो कुछ सपनों को इस बारे में ढूंढता भी हूं हमारी आदमी बात। में, जी इस जी तरह जैसे कोई थका हुआ राहगीर किसी पेड़ के नीचे ढूंढता है चितकबरी धूप, जैसे जेठ की दोपहर का प्यासा ढूंढता है पानी की एक बूंद कोलतारी सड़कों की मृग मृचिका में, जैसे अमावस की घनी रात में ढूंढता है कोई जुगनू भर रोशनी। कितनी ही बार मेरे करीब से गुजर गए सारे सपने अपनी गति से, मुट्ठी से फिसलते हुए वक्त की तरह। हर बार रह जाता हूं मैं खाली हाथ, पकड़ नहीं पाता हूं मुट्ठी में कसकर कभी न जाने के लिए। पर इस बार कुछ दूर तक चलूंगा उनके साथ, ताकि कर सकूं उन्हें महसूस अपने साथ अपने भीतर।
ये सपने शीर्षक से एक कविता थी छोटी सी जी, यानी वो सपने हैं जो भी कुछ अधूरे हैं, कुछ पूरे होने वाले हैं और जल्द ही पूरे होंगे। और वैसे कहते हैं ना कि रात का सपना भले ही पूरा हो ना हो, लेकिन दिन में खुली आंखों से देखे सपने अक्सर पूरे हो जाया करते हैं। तो अब हम जरा बात करें, जैसे एक शायद ये रीति रिवाज ही बन गया है कि जब हम विदा लें उससे पहले मैं आपसे कहूंगी कि आप जो अभी जिन्होंने लिखना शुरू ही किया है उन्हें क्या संदेश दें, उन्हें उनके लिए कोई संदेश। जी वैसे तो मैं कोई लेखक या कवि नहीं हूं और मैं तो अपने आप को कवि मानता भी नहीं हूं, तो संदेश देने लायक जितना बड़ा आदमी तो मैं बना नहीं हूं। फिर भी युवा साथियों को जरूर ये कहना चाहूंगा कि जो भी लिखना चाह रहे हैं या लिखते हैं वो उन समस्याओं के ऊपर लिखें जो अब तक समाज के नजरों से दूर रही, हाशिए पे रही और एक सकारात्मक संदेश समाज में आए, लोगों में एक जागृति पैदा करे, चाहे वो किसी भी विषय के ऊपर हो, प्रकृति हो, पर्यावरण हो, प्रेम हो, रिश्तों के ऊपर हो, है ना, चाहे और अन्य कोई विषय हो। तो ये ऐसा एक विषय होना चाहिए, ऐसी लेखन होना चाहिए जो समाज में अपनी छाप छोड़े, जिसमें पाठक अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करें। मैं तो बड़ा खुश होता हूं जब कुछ मेरे पाठक ये कहते हैं कि इस काव्य संग्रह की कई सारी कविताएं ऐसी हैं जो जिनको पढ़ते हुए हमने ये महसूस किया कि कहीं ना कहीं ये जो घटना है वो हमारे साथ में भी हुई है। तो जी, जी। लेखन भी वही अच्छा माना जाता है जब पाठक उसको अपने साथ जोड़ करके अपने निजी अनुभवों के साथ में जोड़ लेता है। तो कुछ ऐसा लिखा जाए जो पाठकों को जरूरत हो, जो उनमें एक सकारात्मक संदेश लेके जाए, जिनमें एक गहराई हो, अच्छे भाव हो, शाब्दिक चयन है अच्छा हो। बाकी आजकल तुकबंदी में भी खूब लिखा जा रहा है और कविताओं की तो जो विधा थी वो खत्म होकर के आज तो ऐसी कविताएं हो कि गद्य और पद्य का पता ही नहीं चलता है। तो उस दौर में जब कविताएं बहुतायत लिखी जा रही हैं, वहां पर कुछ अच्छा लिखा जाए जो पाठकों को पसंद आए। इस अच्छा कुछ लोग लिख भी रहे हैं, बहुत अच्छी कविताएं लिखते भी हैं और कुछ लोग अपना अच्छा प्रयास कर भी रहे हैं। तो मेरा भी, मैं भी खुद सीख रहा हूं क्योंकि मैं तो अपने आप को कवि नहीं मान रहा हूं, मैं तो खुद एक विद्यार्थी हूं जो साहित्य को पढ़ रहा हूं, तो मैं तो खुद ही सीख रहा हूं इस बारे में। और जब इस आज के कार्यक्रम की समय हो गया है तो आज के कार्यक्रम में हमारे जितने भी श्रोता हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, मैं इस मंच से उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम को सुना। और आभार नीलम पारिक जी आपका भी कि आपने भी इस पुस्तक को न केवल पढ़ा बल्कि इस पुस्तक की बहुत गहराई से समझ बनाई, इस पर बात की, समय निकाला। और इस मौके पर जन सरोकार मंच टोंक का भी हार्दिक आभार कि उन्होंने ये मंच हमें उपलब्ध करवाया। तो इस प्रकार के मंच साहित्य में उपलब्ध करवाना भी एक अच्छा साहित्य बहुत बहुत श्लाघनीय बात है। जी, तो सभी मेरे श्रोताओं को पुनः एक बार आभार, धन्यवाद। और मेरी ओर से भी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और विदा लेते हैं। नमस्कार जी, नमस्कार सभी को, धन्यवाद।